प्लस वन क्लास बेटे थर्ड एच एक्सरसाइज हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ टेन एक्स रूट थ्री। सेकेंड पार्ट दिया सीकेंट एक्स इक्वल टू एंड कॉट एक्स दिया माइनस रूट थ्री। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो वो जो मैंने आपके फॉर्मूले करवाए हैं आप लोगों को, एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन को पी एस लिख देती हूँ। इसके लिए देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, टेन एक्स दिया है रूट थ्री। अब रूट थ्री तो किसकी वैल्यू होती है टेन के टेबल में, आपको पता होना चाहिए ये किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकालना हो तो दो वैल्यूज लेनी होती है, एक तो हमने सिंपल लिख ली, एक दूसरा ये देखना है कि टेन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है 180 से 270, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। थीटा मीन यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। 180 से 270 में एक 180 प्लस थीटा आएगा और 270 माइनस थीटा। अगर हम 270 माइनस करते हैं तो वो टेन का कॉट बन जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। 90 270 के चक्कर में हमने पढ़ना ही नहीं है। तो क्या आ गया, हमने देखा ये सिंपल वैल्यू लिखी और ये टेन जो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, उसके अकॉर्डिंग 180 प्लस थीटा। तो ये हमारे पास बना टेन एक्स इज इक्वल टू टेन 60, मीन्स हम इसको रेडियंस में लिखेंगे वो क्या होगा पाई बाय थ्री। पाई होता है 180 अपॉन 3, 60। एंड इसको भी ऐसे चेंज करना, पाई इज 180 प्लस पाई बाय 3, मीन्स ये हमारे पास आया टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाय 3। और दूसरा हमारे पास कितना बना, टेन 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3। तो देखो एक्स की दो वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी, एक पाई बाय 3 और एक 4 पाई बाय 3। ये दो वैल्यूज इसकी कौन सी है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है ये दोनों। नाउ अब हमें जनरल सोल्यूशन, जिसको मैं जी एस लिख रही हूँ, जनरल सोल्यूशन के लिए क्या है, हम जो स्टेटमेंट गिवन है वही लिखते हैं। टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, मीन्स टेन एक्स इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। 60 को मैं लिख रही हूँ रेडियंस में पाई बाय 3। अब बेटे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे, इसमें टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, लेट दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे एक्स, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना है पाई बाय 3, और साथ में लिख देना है एन बिलोंग्स टू आई। जनरल सोल्यूशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और प्रिंसिपल सोल्यूशन में दो वैल्यूज निकाल के बतानी है। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट देखिए, हमारे पास दिया है सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2। आप इसको उल्टा कर दीजिए तो cos x किसके इक्वल आएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा 1 बाय 2। ये हमारे पास अब शुरू करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पहले पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन दो आएंगे। cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2 मीन cos कितना बना 60 डिग्री, और दूसरा cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, लास्ट लास्ट होता है आपके पास 270 से 360 डिग्री। 270 प्लस थीटा तो करना नहीं है, मैंने बोला 90 और 270 के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, 360 डिग्री माइनस थीटा मीन 60 डिग्री। तो इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियंस में, ये बनेगा पाई बाय 3 और ये बना 360 मीन 2 पाई, मीन्स 2 into 180 मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये बना cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 कॉमा cos 366 माइनस 1 5 पाई बाय 3। तो x की दो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आ गए, एक आ गया पाई बाय 3 और दूसरा हमारे पास क्या आया 5 पाई बाय 3। अब इसी का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए cos x हमारे पास कितना था 1 बाय 2 मीन्स cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का, वो फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू थीटा की जगह पे कितना है x 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मीन्स हमारे पास कितना है पाई बाय 3, तो n बिलोंग्स टू i, बस साथ में ये लिख के छोड़ देना है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है इसका, वो हमारे पास है cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब रूट 3 देखिए, कॉट को क्वेश्चन को करना है तो उसको हम टेन में चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। कॉट का उल्ट क्या होता है भाई, टेन, टेन एक्स है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा माइनस 1 बाय रूट 3। अब देखिए सबसे पहले हमें ये टेन 1 बाय रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब हमें ये माइनस खत्म करना है, देखना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। सेकेंड में कैसे लिखोगे आप, टेन एक्स इज इक्वल टू सेकेंड मीन्स टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है, सेकेंड होता है हमारे पास
90 प्लस तो करना नहीं है, तो 180 माइनस थीटा आ गया। और कौन से में था, फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो फोर्थ में क्या था, 270 से 360, मीन्स 270 प्लस तो करना नहीं है, तो 360 से माइनस, 360 माइनस थीटा, ये हमारे पास बना टेन पाई बाय 180 मीन्स पाई माइनस पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 बन गया। और इधर टेन 360 मीन्स 2 पाई, 2 इंटू 180 माइनस पाई बाय 6। नाउ टेक एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू, ये टेन एक्स इसके कुल आएगा टेन, हाँ जी करिए 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 6, और दूसरा जो है टेन ये कितना आएगा, 6 टू 12, 12 में से 1 गए कितने, 11 पाई बाय 6। तो ये जो जनरल सोल्यूशन है, ये हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन स्टार्ट किया था, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन में x की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी, एक 5 पाई बाय 6 और एक 11 पाई बाय 6, ये आ गए। अब हमें क्या निकालना है इसका जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जनरल सोल्यूशन में बना टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3, मीन्स माइनस टेन कितना बना हमारे पास, ये 30 डिग्री। अब देखिए माइनस टेन थीटा, ये माइनस अंदर जा सकता है, आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो इसका माइनस हम अंदर लेके जा सकते हैं, टेन माइनस 30 डिग्री, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। अब 30 डिग्री को आप रेडियंस में लिख दो, टेन कितना बनेगा, माइनस पाए बाय 6। अब थीटा हमारे पास यहाँ पे हुआ x और अल्फा हुआ माइनस पाए बाय 6, तो ये फॉर्मूला बना टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का, और वो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू, थीटा यहाँ पे x है, एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है माइनस पाए बाय 6, ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस है, एन बिलोंग्स टू आई, मीन्स x इज इक्वल टू एन पाई, प्लस और माइनस हुए माइनस पाए बाय 6, एन बिलोंग्स टू आई। नेक्स्ट पार्ट बेटे, फोर्थ पार्ट जो है हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है पहले, और ये हमें क्वेश्चन में दिया है कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये यहाँ पे हम प्रिंसिपल सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए साइन माइनस में है, इसको माइनस खत्म करना है, कौन कौन से क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा आ गया, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, थर्ड में हमारे पास बनेगा ये 180 प्लस थीटा, और फोर्थ में बनेगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 30 डिग्री। अब ये हमारे पास बना साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 180 को पाई लिख लेंगे, ये पाई बाय 6 आ जाएगा, और आगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। नाउ देखिए ये आ गया साइन, एलसीएम लोगे 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई बाय 6, एंड साइन 6 टू 12, 12 माइनस 1, 11 पाई बाय 6। तो ये हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। नाउ अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये साइन का भी माइनस अंदर जाता है क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये अंदर चला गया, साइन x इज इक्वल टू साइन माइनस कितना आया 30 मीन्स पाई बाय 6। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा कितना है माइनस पाई बाय 6, एन बिलोंग्स टू आई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, आप इसको कर सकते हो प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस 1 की पावर एन पाई बाय 6, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, दैट्स ऑल बेटा।